थाना उत्तर पुलिस को एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पर वह वैदिक पुलिया के पास में चेकिंग कर रही थी। उसी दौरान एक बदमाश से मुठभेड़ हो गई। बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर किया, आत्मरक्षात पुलिस पार्टी ने भी उस पर फायर किया, जिस पर वो घायल हुआ। तत्काल उसे उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूछताछ में उसने अपना नाम हिमांचल बताया है। इस पर 1.5 दर्जन से अधिक मुकदमे हैं, लूट, हत्या के प्रयास, NDPS, गैंगस्टर एक्ट, चोरी आदि के मुकदमे हैं। यह थाना उत्तर के एक अपहरण एवं बलात्कार के मुकदमे में वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 का इनाम है। इसके पास से नाजायज असलाह भी बरामद किया गया है। इससे पूछताछ की जा रही है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई संपादित की जा रही है।